गाइस अगर बात करते हैं इंडिया में, अगर आप 350 सेगमेंट के किसी क्रूजर बाइक की तलाश कर रहे हैं तो सबसे पहले इंडिया की नंबर वन बाइक जो कि क्रूजर बाइक है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का, जो कि अब नए सेगमेंट के साथ में आ चुकी है, जिसमें अब आपको E20 OBD2 का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर मैं आपको दिखा दूंगा कि तो ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का हेल्सियन ब्लैक कलर, जो कि देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। और इसमें अब 2023 में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। बदलाव होने के बाद इसकी प्राइस क्या है और इसमें E20 OBD2 का सपोर्ट आ जाता है, तो इसकी क्या माइलेज है, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन है, सारी डिटेल मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहे, और अभी तक आपने हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इसके एक वॉक अराउंड वीडियो के साथ में। सबसे पहले मैं अगर आपको उसकी पूरी फ्रंट की प्रोफाइल दिखाता हूं तो ये इसका हेल्सियन ब्लैक कलर है। ये बाइक आपको मल्टीपल कलर्स में मिल जाती है। और सबसे बड़ा चेंज इसमें मैं अगर दिखाता हूं तो ये देखिए E20 का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि ये भी अब आप इस फ्यूचरिस्टिक बाइक इसको भी कह सकते हैं। OBD2 का सपोर्ट भी इसके इंजन में आ चुका है। तो सारी बात इसी के बारे में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में अगर आप देखते हैं तो मिल जाता है आपको कुछ इस तरीके का सेटअप, जिसमें आपको पूरा हेलोजन बेस सेटअप मिलता है इसके फ्रंट के लाइट के ऊपर में। बाकी क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है इसके हेड के ऊपर में, जो कि राउंड शेप में इसके ऊपर और ज़्यादा इसको क्लासिक क्लासी सा बना देता है। बाकी फ्रंट में आपको इसमें मिल जाते हैं हैज़ार्ड, जो कि इनके टर्न इंडिकेटर है, वो हेलोजन बेस्ड हैं, जिनमें आपको क्रोम का ट्रीटमेंट भी मिल जाता है, तो काफ़ी सही है देखने में। बाकी पायलट लैंप आपको मिलते हैं इसके हेड के ऊपर में, यहाँ पर एक दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है, गोल गोल टाइप में दिए गए हैं छोटे छोटे। बाकी बात करूँ अगर फ्रंट सस्पेंशन की तो मिल जाते हैं आपको टेलीस्कोपिक फोक, जो कि 41 mm के हैं, जो कि अपसाइड डाउन के लिए फोक करते हैं। तो जो ये हैं काफ़ी मोटे हैं, 41 mm का इनका ट्रैवल वगैरह होता है। बाकी यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। मडगार्ड का डिज़ाइन आप देखेंगे तो ये आपको मिलता है कुछ इस तरीके का मैरून टाइप में कलर है, ये रेड वाला और ये ब्लैक, तो हेल्थियन ब्लैक कलर है। ये गोल्डन कलर की स्ट्रिप्स दी गई हैं तो इसका मडगार्ड है वो देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। बाकी फ्रंट में आपको इसमें मिल जाती है 300 mm की डिस्क, देखेंगे आप कुछ इस तरीके की। इसमें आपको मिलता है डुअल चैनल ABS इस बाइक में आपको मिल जाता है। बाकी जो फ्रंट का इसका अलॉय व्हील है ये भी डिज़ाइन इसका काफ़ी मस्त लगता है। तो प्रोफाइल की अगर बात करता हूँ फ्रंट की तो वो आपको मिलने वाली है 190/19, यानी कि 190/19 का आपको उसमें अलॉय व्हील मिल जाता है। 19 inches के कुछ इस तरीके के अलॉय व्हील मिलते हैं, जिनका पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखने में। बाकी इसकी मोटाई आपको 100 मिल जाती है, जो कि फ्रंट से आप इसकी ग्रिप वगैरह को भी देख सकते हैं। बाकी हेल्सियन ब्लैक कलर में तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको लगती है। बाकी हैज़ार्ड था सिंगल में आपको मिल जाता है क्रैश गार्ड, जो कि ब्लैक कलर में दे रखा है इसके ऊपर में। इंजन प्रोटेक्शन आपको मेटल में मिल जाती है, 170 mm की इसमें आपको मिल जाती है ग्राउंड क्लियरेंस, यानी 170 mm की इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। सिंगल हॉर्न आपको पीछे मिल जाता है, कैटलिटिक कन्वर्टर के ऊपर में आपको पूरा क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है। और जिसका एग्जॉस्ट है आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्रोम का ट्रीटमेंट दे रखा है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। और टैंक का अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो गोल्डन कलर में रॉयल इनफील्ड को मेंशन कर रखा है। बाकी रेड और ये जो गोल्डन के इसके ऊपर में डिज़ाइन दी रखी है ये भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको लगती है। टैंक पैड मिल जाएगा रबर कवरिंग के साथ में और E20 को मेंशन कर रखा है। बाकी 13 liter की इसमें मिल जाती है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि इसके हिसाब से काफ़ी सही है। 5 gearboxes में आपको सिस्टम मिल जाता है। बाकी इंजन जो इसका है काफ़ी बड़ा सा देखने को मिल जाता है क्रोम के साथ में ब्लैक, और यहाँ पर जो पूरा पार्ट वगैरह है सब आपको मेटल में इसका मिल जाता है। बाकी सीट आपको मिलती है स्प्लिट्स में, 805 mm की सीट हाइट मिल जाती है। बाकी जो इसका कंफर्ट है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि लॉन्ग रनिंग में भी आपको ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं देगा। बाकी पीलन वाली सीट जो है वो भी आपको काफ़ी प्रीमियम टाइप में मिल जाती है। बैक से अगर दिखाता हूँ आके मैं तो बैक में आपको मिल जाता है इसका कमर वाला जो होता है गार्ड हुआ। बाकी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है, हैंडल कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। बाकी बैक में आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग दे रखी है और टेल लाइट कुछ इस तरीके की है। बाकी यहीं आपको मिल जाते हैं इसके टर्न इंडिकेटर। बाकी बैक में आपको मिल जाती है 270 यानी कि 270 mm की डिस्क। बाकी डुअल चैनल तो इसमें मिलता ही है। बैक की सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो मिल जाते हैं आपको टीम ट्यूब इमल्शन वाले सस्पेंशन, जो कि 6-step प्रीलोड भी होते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो एग्जॉस्ट उसका काफ़ी बड़ा, मफलर गार्ड देखेंगे आप क्रोम का मिल जाता है। बाकी एडजस्टेबल फुटपैक्स हैं, ये सब जो है रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है। रियर ब्रेक का पैड मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल फुटेक्स मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो गार्ड दे रखा है, जिससे आपकी मतलब पैर वगैरह जले वगैरह ना ज़्यादा। बाकी साइड पैनल के ऊपर में क्लासिक 350 की बैजिंग है,
और यहाँ पर आप देखेंगे तो पकड़ने के लिए बढ़िया दिया गया डिज़ाइन, इसका मेटल है पाइप टाइप में। और इस साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मेटल में एक साड़ी गार्ड, और यहाँ पर ओपन में चेनसेट कवर भी दे रखा है। बाकी यहाँ से आप इसके हेड हैंडल वार्मियों के डिज़ाइन को भी देख सकते हैं, तो देखने में तो काफ़ी ज़बरदस्त लुक आ ही जाती है। बाकी 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि इसके हिसाब से काफ़ी ठीक है। 805 mm की सीट हाइट है, 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। इस साइड से भी आप अगर देखते हैं तो टैंक पैड वगैरह दे रखा है। तो यहाँ से आप इसके डिज़ाइन को देख लीजिए, पहले हेड हैंडल वार्मियों के डिज़ाइन को। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ आके तो इसमें मिल जाती है आपको क्रोम वाली बार हैंडल, उसके बाद यहाँ पर जो मिलता है आपको इसका मोड वगैरह सेट करने का भी मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी यहाँ पर मिल जाता है आपको हाई बीम, लो बीम और पासिंग का स्विच, टर्न इंडिकेटर दे रखा है हॉर्न के साथ में। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रोम के ट्रीटमेंट में आपको मिल जाते हैं बार एंड्स। बाकी जो इसका क्लच का लीवर है वो भी ज़्यादा मतलब वेट मल्टीप्लेट वाला क्लच आपको उसमें मिलता है, बाकी लाइट नहीं है। बाकी इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम मिल जाती है, सिल्वर की फिनिशिंग में दे रखे हैं। साइड मिरर का डिज़ाइन आप देखेंगे तो क्रोम के स्ट्रेम और क्रोम के साथ में इसके साइड मिरर आपको मिल जाते हैं। अपोजिट में आपको इंजन का स्विच है, हैजार्ड है, एक्सेलेरेटर के साथ में फ्रंट ब्रेक का लीवर है, तो काफ़ी सही आपको इसमें सारा फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। चलिए मैं इसकी की आपको दिखा दूं, तो आपको इसमें मिलती है वेव की जो कि सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। रॉयल एनफील्ड कंपनी ने मेंशन कर रखा है इसके की के ऊपर में लगा, तो इसका मीटर जो है वो ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से ऑन होता है। इसमें आपको मिल जाता है किस तरीके का स्पीडोमीटर, यहाँ पर हैजार्ड वगैरह चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो आप गियर वाली लाइट मिल जाएगी, ABS, चेक इंजन की लाइट, फ्यूल गोज का ऑप्शन, बैटरी वाला वोल्टेज आपको मिल जाएगा, ओडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर, इको, और जो ये स्विच आपको यहाँ पर दे रखा है इससे आप इसको सेट वगैरह कर सकते हैं। ट्रिप एक क्लॉक मिल जाती है डिजिटल वाली, इको मीटर, ओडोमीटर आपको मिल जाता है, ट्रिप वन, ट्रिप टू, और इसको आप यहाँ से देखेंगे तो ओडोमीटर भी आपको इसके ऊपर में मिल जाता है, तो यहाँ से आप इसको सेट वगैरह कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर रॉयल एनफील्ड कंपनी ने मेंशन कर रखा है और देखने में काफ़ी ज़बरदस्त आपको लुक मिल जाती है। बाकी यहाँ पर पासिंग वगैरह है मैंने जैसे आपको बताया, तो काफ़ी सही है। यहाँ पर भी आप इसे साइड मिरर के डिज़ाइन देख सकते हैं और देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सब शानदार सी लुक आपको मिल जाती है। बाकी पूरी प्रोफाइल आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके इंजन के बारे में बात करते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल गया है, क्योंकि इसमें तो चलिए बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें मिल जाता है 349.34 cc का एयर एंड ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर स्पार्क इग्निशन वाला इंजन जो कि रिलीज करेगा 20.21 PS की मैक्सिमम पावर 6100 RPM पर, 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिलीज करता है 4000 RPM पर, जो कि इसका पावर फिगर है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और वहीं अगर मैं इसके माइलेज की बात करता हूं तो हाईवे भी आपको 37-38 KMPL तक का ओवरऑल माइलेज देने वाली है। सिटी की बात करें तो 44-43 तक का आपको आराम से सिटी में KMPL का माइलेज ये निकाल देगी। बाकी 0-100 जाने में इसको 16.30 सेकंड का समय लगता है, तो काफ़ी सही है इसके हिसाब से। और ये क्रूजर बाइक की बात करूँ इंडिया में तो सबसे पहले ख्याल जो आता है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का आता है, क्योंकि इसकी लुक्स और जो इसका डिज़ाइन है वो ज़्यादा ज़बरदस्त आपको मिलता है। तो चलिए अब इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इतने सारे चेंजेस होने के बाद इसकी प्राइस क्या होने वाली है ऑन रोड कानपुर में। तो ये आपको ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ जाती है 270,000 यानी कि 270,000 रुपये की ये गाड़ी आपको ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश। और वहीं मैं अगर आपको शोरूम का एड्रेस बताता हूँ, ये अपना है सरीन मोटर्स जो कि खलासी लाइन कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से आप कोई भी रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। सो कुछ ये थी इसकी ओवरऑल वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अब चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।